व्हाट इज लाइट एमिटिंग डायोड? लाइट एमिटिंग डायोड इज हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन व्हिच अंडर फॉरवर्ड बायस एमिट्स द स्पॉन्टेनियस रेडिएशन. लाइट एमिटिंग डायोड जो है एक हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन है जिसको कि फॉरवर्ड बायस में यूज किया जाता है. जंक्शन पे क्या होता है, पीएन जंक्शन में लाइट एमिटिंग डायोड है, पीएन जंक्शन है जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, तो जंक्शन पे क्या होता है, जंक्शन की बाउंड्री पे क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन. ठीक है, जब बायस नहीं होता है उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, व्हेन द फॉरवर्ड बायस इज डन. ठीक है, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर जो है वहां पे वो जो है मेजॉरिटी कैरियर से कंबाइन हो जाते हैं जंक्शन पे, और ये रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. और ये एनर्जी रिलीज जो होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स होता है वो अपने को लाइट के फॉर्म में दिखाई देता है. तो लाइट एमिटिंग डायोड इस तरीके से काम करता है. तो अपने को याद क्या रखना है, लाइट एमिटिंग डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में काम करता है. लाइट एमिटिंग डायोड इज एक्टिंग अंडर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन. ठीक है, तो अगर हम इनकी वी आई करेक्टरिस्टिक देखते हैं एलईडीज की, तो ये सिलिकॉन जंक्शन डायोड के सिमिलर होती है, सिलिकॉन जंक्शन डायोड की करेक्टरिस्टिक के जैसी ही होती है. ठीक है, लेकिन थ्रेशोल्ड वोल्टेज हाई होती है, हाई एंड पे होती है. ठीक है, एंड द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एलईडी आर वेरी लो. ठीक है, सो वी शुड टेक केयर दैट हाई रिवर्स वोल्टेज डू नॉट अपीयर अक्रॉस देम, अदरवाइज दे विल गेट डैमेज. एलईडी कई कलर की हो सकती है, तो एलईडीज के लिए जो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स अबाउट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप एनर्जी होगा, that type of diode will be suitable for the light emitting diode. तो इसके लिए gallium arsenide का use किया जाता है. gallium arsenide के different combinations होते हैं. देखिए gallium arsenide 1-X Px लिखा हुआ, X की different values के लिए gallium arsenide के different alloys बनेंगे और उससे LEDs बनाए जाएंगे different colors के. ठीक है, जैसे 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला गैलियम आर्सेनाइड जो है रेड एलईडी के लिए यूज होता है. ठीक है, तो ये एलईडी कहाँ कहाँ यूज होते हैं, रिमोट कंट्रोल्स में, बर्गलर अलार्म सिस्टम में, एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इन सब जगह यूज होते हैं. और एलईडीज के बहुत एडवांटेज हैं क्योंकि इनका लो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, दे आर ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज एंड लेस पावर, एंड दे आर हैविंग ए फास्ट एक्शन. और ये नियर बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट जनरेट करते हैं एंड लाइफ लॉन्ग जो है चलते हैं ये एलईडीज, और ऑन ऑफ स्विचिंग इनकी फास्ट होती है. ये सब इसके एडवांटेज हैं. नेक्स्ट कम्स द सोलर सेल. तो सोलर सेल क्या है आप जानते हैं, सोलर एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिसिटी बना देता है सोलर सेल. तो ये एक पीएन जंक्शन है. सोलर सेल क्या है, दिस इज पीएन जंक्शन विच जनरेट्स ईएमएफ when solar radiation falls on the PN junction. इसका मतलब है solar radiation fall हो रहा है, आ रहा है, तो ज्यादा area पे पड़ना चाहिए. ठीक है, इसका principle same होता है जैसा photodiode का होता है. ये भी एक PN junction ही है. ठीक है, photodiode का function जो है वो same है, खाली फर्क क्या है कि यहाँ पे external bias नहीं होता solar cell में. photodiode में bias किया जाता है उसको, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई बायसिंग नहीं है, ना फॉरवर्ड बायसिंग है ना रिवर्स बायसिंग. जंक्शन एरिया को ज्यादा रखा जाता है, ये जो जंक्शन एरिया है उसको ज्यादा रखा जाता है, पी एन जंक्शन का जंक्शन एरिया जो है उसको ज्यादा रखा जाता है, ताकि जो है लाइट जो है काफी बड़े एरिया पे आ सके. ठीक है, सोलर रेडिएशन ज्यादा जगह पे आ सके, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन मोर पावर. अब यहाँ पे क्या होता है कि एक सिलिकॉन वेव, एक एन टाइप सिलिकॉन वेफर लेते हैं और एक पी टाइप सिलिकॉन वेफर लेते हैं. ठीक है, एक्चुअली एन टाइप सिलिकॉन वेफर को पी टाइप सिलिकॉन वेफर के ऊपर ग्रो कर लेते हैं एक स्पेशल प्रोसेस से. ठीक है,
ये बैक कॉन्टैक्ट है, बैक कॉन्टैक्ट मतलब मेटल कॉन्टैक्ट होता है और इधर साइड में फ्रंट कॉन्टैक्ट होता है। तो फ्रंट कॉन्टैक्ट पे क्या होता है कि ये फिंगर टाइप इलेक्ट्रोड मेटलाइज फिंगर इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं। दीज मेटलाइज फिंगर टाइप के इलेक्ट्रोड्स आर एस्टैब्लिश्ड हियर, ठीक है। ये फ्रंट कॉन्टैक्ट होता है मेटलाइज फिंगर इलेक्ट्रोड। तो इसके तीन बेसिक प्रोसेस होते हैं। व्हाट आर द थ्री बेसिक प्रोसेस फॉर दिस सोलर सेल? फर्स्ट इज जनरेशन, सेकेंड इज सेपरेशन एंड देन कलेक्शन। जनरेशन क्या है? जैसे ही लाइट पड़ेगा, लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, मेटल कॉन्टैक्ट के थ्रू बेस पे जाएगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होल स्पेयर जनरेट होंगे। इनकमिंग लाइट एच न्यू एनर्जी की आ रही है, विच इज ग्रेटर देन द बैंड गैप एनर्जी जी। तो जंक्शन पे आएगी तो वहां इलेक्ट्रॉन होल स्पेयर जनरेट होंगे। पहला हो गया जनरेशन, दूसरा है सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से इलेक्ट्रॉन आर स्वेप्ट टू एन साइड एंड होल्स टू पी साइड। इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ चले जाएंगे और होल्स पी साइड की तरफ सेपरेट हो जाएंगे। थर्ड प्रोसेस क्या होता है, कलेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन रीचिंग द एन साइड आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट कॉन्टैक्ट। जो इलेक्ट्रॉन एन साइड पे आएंगे वो फ्रंट कॉन्टैक्ट से कलेक्ट कर लिए जाएंगे। फ्रंट कॉन्टैक्ट वो फिंगर टाइप इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और होल्स जो होंगे पी साइड की तरफ जो जा रहे हैं वो बैक कॉन्टैक्ट से कलेक्ट कर लिए जाएंगे। इसका मतलब है पी साइड पॉजिटिव हो जाएगा और एन साइड नेगेटिव हो जाएगा, एंड देयर फोर एक फोटो वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। एक फोटो वोल्टेज जनरेट होगा तो उसमें फोटो करंट प्रोड्यूस हो सकती है। अगर हमारा एक्सटर्नल लोड जो है सर्किट में लगा हो तो फोटो करंट कैन बी जनरेटेड, ठीक है। आईवी करेक्टरिस्टिक क्या होती है सोलर सेल की? तो सोलर सेल की आईवी करेक्टरिस्टिक को अगर हम देखेंगे, ये देखिए सोलर सेल की आईवी करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सोलर सेल डज नॉट ड्रॉ करंट, ये करंट ड्रॉ नहीं करता, करंट अपने को देता है, ये लोड को करंट सप्लाई करता है। इसके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका करेक्टरिस्टिक आ रहा है, ठीक है। दिस इज द ओपन सर्किट वोल्टेज एंड दिस इज द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ आएगा आईवी करेक्टरिस्टिक फोटो सेल का, ठीक है। फोटो सेल के लिए मोस्ट सुटेबल जो वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनकी बैंड गैप एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास होती है, ठीक है। सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, PDTE एंड कॉपर INSC2, ये सब जो है मटेरियल्स हैं। तो इसमें इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ये है कि पहले बैंड गैप सेलेक्ट करो, 1 से 1.8 के बीच में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, एंड रॉ मटेरियल एंड कॉस्ट उसकी कम होनी चाहिए, रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो दैट इज द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सेमी कंडक्टर मटेरियल फॉर द फोटो सेल, ठीक है। Any light with photon energy is greater than the band gap energies will do. ऐसा जरूरी नहीं है कि sunlight आ रही होगी तभी photo cell काम करेगा। सूरज छिपा हुआ होगा, बादल होंगे तो भी photo cell काम करेगा, ठीक है। Any light with photon energy is greater than the band gap energy will do the function, ठीक है। ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? बहुत जगह इनके यूज होते हैं, सेटेलाइट में, स्पेस में, कैलकुलेटर्स में भी यूज होते हैं, स्पेस में भी यूज होता है इसका, ठीक है। तो हाई वोल्टेज के लिए जो है सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड मटेरियल फॉर द सोलर सेल, ठीक है। सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड को कुछ क्वालिटीज की वजह से प्रेफर किया जाता है। नाउ वी कम टू आवर टॉपिक, जंक्शन ट्रांजिस्टर। जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है? जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है बैक टू बैक पीएन जंक्शन डायोड्स होता है। दो पीएन डायोड को बैक टू बैक लगा देंगे तो जंक्शन ट्रांजिस्टर बन जाता है। तो फर्स्ट जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है बैक टू बैक पीएन जंक्शंस को जोड़ने से विलियम शॉकले ने इन्वेंट किया था। इसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो अब आजकल बहुत नए नए ट्रांजिस्टर आ गए हैं, तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में तीन डोप्ड रीजन्स होते हैं, थ्री डोप्ड रीजन्स यू सी।
There is a p-type wafer sandwiched between two n-type wafers of semiconductors. तो ये बन गया npn transistor. When an n-type wafer is sandwiched between the two p-type wafers of the semiconductors, then it is known as the pnp transistor. npn transistor हो गया और pnp transistor हो गया और यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन होगा और एक डिप्लीशन रीजन यहाँ पे होगा, यहाँ दो डिप्लीशन रीजन, ठीक है. इसको एमिटर बेस जंक्शन बोलते हैं या इनपुट बोलते हैं और आउटपुट बोलते हैं. कलेक्टर बेस जंक्शन ये आउटपुट बोलते हैं, यहाँ पे आउटपुट लिया जाता है और यहाँ पे इनपुट लिया जाता है, ठीक है. अब इनके जो डायग्राम्स हैं, स्कीमेटिक डायग्राम्स, उसमें जो है इनको इस तरीके से बताते हैं. देखिए ये एमिटर, कलेक्टर और बेस. तो ये जो आपका देखिए इसको बता रहा है, ये एमिटर है और ये कलेक्टर है और बेस है. तीन टर्मिनल बता रहा है एक सर्कल के अंदर, और इस सर्कल के अंदर जो है ये जो है कॉमन वाला है, ठीक है. बेस कॉमन है ना, यहाँ पे बेस कॉमन है. तो इस कॉमन के साथ में क्या क्या कनेक्टेड है, एक तो कलेक्टर भी कनेक्टेड है और एक एमिटर भी कनेक्टेड है, और एमिटर के पास करंट का डायरेक्शन दिखाया है. नाउ दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये सिंबल किसका है, देखिए कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है कि जब यहाँ पे कंडक्शन होगा तो होल्स आर द पॉजिटिव चार्जेस जो इधर की तरफ एमिटर की तरफ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन, फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है. तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट शो की गई है यहाँ पे. तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, जो कि बेस से होल जो है इधर साइड में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग देयर, देयरफॉर करंट इज शोन हियर, राइट. अब एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर का क्या सिंबल होगा, PNP ट्रांजिस्टर में यहाँ होल जाता है, PNP ट्रांजिस्टर से होल इधर इधर बेस में जाएंगे या आगे जाएंगे, तो होल्स इधर जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में होगी, एमिटर से बेस की तरफ. तो ये आप देखिए इसका सिंबल जो है एमिटर से बेस की तरफ, एमिटर से बेस की तरफ का एरो जो है ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखा रहा है, एंड इट इज शोइंग द PNP ट्रांजिस्टर. मतलब ये सिंबल को देख के अपने को समझ लेना है, स्कीमेटिक डायग्राम को देख के समझ लेना है कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और ऊपर वाला जो डायग्राम है इसको देख के हमें समझ लेना है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है. तो हमारे तीन पार्ट होते हैं ट्रांजिस्टर में, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. एमिटर कैसा होता है भाई, एमिटर मॉडरेट साइज का होता है और हैविली डोप्ड होता है. एमिटर जो है मॉडरेट साइज का होता है एंड हैविली डोप्ड होता है, हैवी डोपिंग होती है एमिटर के अंदर. बेस के अंदर कैसा होता है, बेस जो है वेरी थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है. बेस इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, उसके अंदर डोपिंग बहुत कम होती है, इम्प्योरिटी बहुत कम होती है और बहुत पतला होता है. कलेक्टर का एरिया बहुत बड़ा होता है, लार्जर इन साइज, और इसको हम मॉडरेटली डोप करते हैं. तो ये तीन तरीके के सेक्शंस होते हैं इसमें, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. ट्रांजिस्टर को दो तरीके से यूज किया जा सकता है कि बेसिकली इसको एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए डिजाइन किया गया था. एम्पलीफायर क्या होता है, सिग्नल को एनलार्ज कर देता है, वो एम्पलीफायर, ठीक है. लेकिन बाद में इसका यूज स्विच की तरह से भी हुआ और उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है. तो पहले हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर की एम्पलीफाइंग कैपेबिलिटी किस तरीके से आ रही है. एम्पलीफाइंग कैपेसिटी ट्रांजिस्टर की तब आती है जब हम यूजुअली एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में लेते हैं. कॉमन एमिटर, यहाँ पे कॉमन बेस हमने डिस्कस किया, यूजुअल जो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो इसमें क्या होता है, एमिटर बेस जंक्शन जो होता है उसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है. फिगर 14.28 में दिखाया है, ये देखिए फिगर 14.28 का ए पार्ट जो है, ये जो है एमिटर है और ये बेस है,
ये बेस हो गया, ये एमिटर हो गया, एमिटर बेस जंक्शन ये हो गया, इसको फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इधर जो है पॉजिटिव से जो है पॉजिटिव को जोड़ दिया है, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, और इसको रिवर्स बायस किया है। देखो ये पी जो है पॉजिटिव को जो जोड़ दिया नेगेटिव से, ठीक है, सेमीकंडक्टर के पॉजिटिव मतलब पी पी टाइप होल्स हैं जहाँ पर ज़्यादा, उसको नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ये फॉरवर्ड बायसिंग बैटरी है, वीईई बोलते हैं इसको। ये जो है एमिटर बेस जंक्शन में लगी है या इनपुट जंक्शन में लगी है, इनपुट पे लगी हुई है। आउटपुट पे जो है वीसीसी है जो आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस करता है। तो इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस कंडीशन में जो है ये एम्प्लीफिकेशन फंक्शन होगा, ठीक है। फिर देखो बता रहा है इन सर्किट्स वेयर द एमिटर इज द कॉमन टर्मिनल। यहाँ पे क्या कॉमन टर्मिनल दिख रहा है आपको, बेस दिख रहा है, बराबर है। लेकिन जब एमिटर कॉमन टर्मिनल होता है, एज यूजुअली द केस इज एमिटर इज कॉमन टर्मिनल, द पावर सप्लाई बिटवीन द बेस एंड द एमिटर इज रिप्रेजेंटेड एज VBB। पावर सप्लाई जो है एमिटर और बेस के बीच में उसको VBB से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, और VCC से कलेक्टर और एमिटर के बीच की पावर सप्लाई रिप्रेजेंट की जाती है। अब इसमें करंट के पाथ देखेंगे तो कैसा होगा, जैसे ही जो है यहाँ पे ट्रांजिस्टर को स्विच ऑन करते हैं, ये फॉरवर्ड बायस करते हैं इसको, तो फॉरवर्ड बायस करने से इसको क्या होगा कि इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर होंगे, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होंगे, तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है इधर साइड में आगे जाएंगे, बेस रीजन में जाएंगे, चाहे ये NPN ट्रांजिस्टर हो चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो, दोनों ही केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल गो इनटू द बेस, ठीक है, और बेस जो है लाइटली डोप्ड होता है, बेस थिन होता है, पतला होता है, इसके लिए वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन विद द होल्स इन द बेस, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो होल्स इन द बेस में कम इधर कंबाइन होंगे, होल करंट बेस करंट विल बी लेस, एंड बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आर कमिंग फ्रॉम द एमिटर will pass to the 99% of the electrons will pass through the collector junction, collector junction ki taraf chale jayenge and will constitute a large amount of current, theek hai, kehne ka matlab hai base mein bahut kam jo electron ya holes hain wo recombine hote hain emitter se aane wale aur zyada tar chale jate hain kahan pe collector pe chale jate hain, ठीक है, तो जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं तो करंट जनरेट होती है। करंट कमिंग आउट ऑफ द बेस इज वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, ठीक है, तो टोटल करंट जो है ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन IH+IE से रिप्रेजेंट करेंगे तो टोटल एमिटर करंट विल बी IH+IE, एंड टोटल एमिटर करंट का बहुत कम फ्रैक्शन होगा बेस करंट, IB विल बी वेरी वेरी लेस देन IH+IE, मेजर पार्ट ऑफ द एमिटर करंट IE गोज टू द कलेक्टर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट ऑफ द बेस टर्मिनल। तो यहाँ पे तीन टाइप की करंट है हमारी, एक तो एमिटर करंट है IE एमिटर एंड पे, और बेस टर्मिनल पे IB करंट है, और कलेक्टर टर्मिनल पे IC करंट है, ठीक है। तो हमें देखने में क्या आ रहा है, एमिटर से जो करंट एंटर होती है थोड़ी सी वो बेस में चली जाती है और थोड़ी सी कलेक्टर में चली जाती है। सो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर दिस रिलेशन इज ट्रू, व्हाट रिलेशन, IE इज इक्वल टू IC+IB, ठीक है, वेयर वी सी दैट IC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द IE बिकॉज IB इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो PNP ट्रांजिस्टर में क्या होता है, करंट एंटर्स फ्रॉम द एमिटर इनटू बेस, whereas NPN transistor में it enters from the base into emitter, ठीक है ना, एक में hole चलेगा एक में electron चलेगा, और hole की direction तो conventional current की direction ही होती है। hole की direction क्या है, hole is a positive charge carrier,
and therefore the direction of conventional current is same. और इलेक्ट्रॉन करंट अपोजिटली डायरेक्टेड है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट में ही करंट की डायरेक्शन होगी, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका मतलब है दोनों डायरेक्शन सेम ही हो गया. सो अदरवाइज आइदर वी आर ट्रीटिंग पीएनपी और एनपीएन, द करंट डायरेक्शन इज सेम. ठीक है, तो जो एरोहेड मैंने सर्कल के अंदर बताया था, एरोहेड इन द एमिटर शोज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अब ये जो ट्रांजिस्टर की कंडीशन है जिसमें एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है, इसको हम एक्टिव स्टेट ऑफ द ट्रांजिस्टर बोलते हैं. एक्टिव स्टेट में क्या होता है कि एमिटर बेस जंक्शन का रेजिस्टेंस लो होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन का रेजिस्टेंस हाई होता है, और इसी स्टेट में एक्टिव स्टेट ऑफ द ट्रांजिस्टर जो होता है, ये ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप के ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन होते हैं. ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे हुए, अभी हमने ऊपर देखा बेस को कॉमन किया था तो वो कॉमन बेस कहलाता है. उसके बाद बात हुई कि भाई एमिटर भी कॉमन हो सकता है, तो उस टाइम में वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है. मोस्ट वाइडली यूज्ड कौन सा होता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें भी खास तौर से एनपीएन टाइप के सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स. तो हम लोग का जो डिस्कशन आगे का है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे, एनपीएन टाइप ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स होंगे एंड दैट विल बी इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आप देखिए यहाँ पे बनाया है, ये देखिए सर्कल में बताया है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सो एरो हैज बीन शोन हियर. ठीक है, बेस से होल इधर साइड में आएगा तो एरो हैज बीन शोन हियर. ठीक है, एमिटर साइड में एन है, कलेक्टर साइड में एन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये. ठीक है, तो यहाँ पे एमिटर कॉमन है, देखिए एमिटर यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है, कॉमन कर दिया है, एमिटर इज कॉमन टू कलेक्टर एंड एमिटर इज कॉमन टू बेस ऑल्सो. अब बेस एमिटर बेस जो जंक्शन है ये इनपुट जंक्शन कहलाएगा, और यहाँ पे VBB इज द फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज टू फॉरवर्ड बायस द एमिटर बेस जंक्शन एंड VCC इज द रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड टू रिवर्स बायस द कलेक्टर बेस एमिटर कलेक्टर जंक्शन CE जंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे VBE जो है, VBE इज द वोल्टेज बेस टू एमिटर, इनपुट वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज बेस टू एमिटर जो हम यहाँ मेजर करेंगे ये एंड और ये एंड के बीच में, और यहाँ के बीच में जो वोल्टेज है वो मेजर करेगा VCE, वोल्ट मीटर लगाया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वेरिएशन ऑफ द बेस करंट IB, ठीक है, वेरिएशन ऑफ द बेस करंट IB विद द बेस एमिटर वोल्टेज VB इज कॉल्ड द इनपुट करेक्टरिस्टिक. तो यहाँ पे IB में जो वेरिएशन होगा विद VBE, यहाँ और इसके बीच में जो वोल्टेज वेरी करेगा IB के वेरिएशन के साथ, इसको हम इनपुट करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और ये आपका प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल में आपको ये काम करना है, इनपुट करेक्टरिस्टिक बनानी है. इसी तरीके से वेरिएशन ऑफ द कलेक्टर करंट IC विद द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE इज कॉल्ड द आउटपुट करेक्टरिस्टिक. आउटपुट करेक्टरिस्टिक में क्या है, ये कलेक्टर करंट के साथ वेरिएशन देखना है VCE का, कलेक्टर टू एमिटर जो एंड है उसका पोटेंशियल डिफरेंस अपने को देखना है थ्रू द वोल्ट मीटर कितना वेरी होता है, और इन दोनों के बीच में ग्राफ जो आएगा IC एंड VC के बीच में उसको हम बोलेंगे आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स. तो इनपुट करेक्टरिस्टिक मतलब, कहने का मतलब है इधर का हिस्सा ये इनपुट हो गया और इधर का हिस्सा हो गया आउटपुट. इनपुट में जो पैरामीटर है IB एंड VB उसके बीच में ग्राफ बनाएंगे तो इनपुट करेक्टरिस्टिक आएगी, और आउटपुट में जो है IC और VCE के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक आएगी. ठीक है, तो ये जो इनपुट करेक्टरिस्टिक को जो हम प्लॉट करते हैं IB एंड VB के बीच में जब हम प्लॉटिंग करते हैं तो उस वक्त हम ध्यान रखते हैं कि वन ऑफ द आउटपुट पैरामीटर इसको भी कैप कांस्टेंट, यहाँ पे IC को
कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, तो वीसी को कांस्टेंट रखा जाता है। कलेक्टर एमिटेड वोल्टेज वीसी, आउटपुट पैरामीटर जो है यहाँ पे वीसी, इसको हम फिक्स रखते हैं, इसको हम फिक्स रखते हैं इस वोल्टेज को, और वेरी करते हैं इनपुट, इनपुट के पैरामीटर्स को वेरी करते हैं आई बी एंड वी बी को। ठीक है, तो हमारा इनपुट करेक्टरिस्टिक आ जाता है, और आउटपुट करेक्टरिस्टिक आईसी और वीसीई के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा, कीपिंग द बेस करंट आई बी कॉन्स्टेंट। इसमें आई बी को कॉन्स्टेंट रखते हुए आईसी एंड वीसी के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा, दैट विल बी नोन एज द आउटपुट करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इनपुट करेक्टरिस्टिक जो है इस तरीके से देखिए, आई बी और वी बी के बीच में ग्राफ खींचा है एट कॉन्स्टेंट वी सी 10 वोल्ट के उसके ऊपर ग्राफ खींचा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका इस तरीके का शेप आता है, इट इज जस्ट लाइक ए पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, फॉरवर्ड बायस। तो आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ कैसा होता है और आउटपुट करेक्टरिस्टिक के ग्राफ को हम किस तरीके से स्टडी करते हैं। टिल देन गुड बाय। क्विक डील, अ मार्केट प्लेस टू सेल एनीथिंग, अपैरल्स, शूज एंड फुटवेयर्स, गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ एंड ब्यूटी, कंप्यूटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। क्विक डील।